हेलो स्टूडेंट्स, मैं उन्नति सिंह आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम्स में। होली के समय पर आज हमारा ये लेक्चर नंबर है 7, प्रैक्टिस सेट नंबर है 7। इसके पहले हम लोगों ने 6 सेट ऑलरेडी कर रखे हैं। अगर किसी को वीडियोस देखनी है जो ये पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, तो इसके लिए प्लेलिस्ट बन गई है। इस प्लेलिस्ट में जाके आप इसको देख सकते हो। जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन ये है कि आरआरबी जेई सीबीटी 1 का कंप्लीट फाउंडेशन बैच माई पाठशाला के एप्लीकेशन पे चला है, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके का जो कंप्लीट कोर्स है वो आपको मिल जाएगा। अभी ऑफर में चल रहा है, इसका प्राइस है 600 रुपये। माई पाठशाला के एप्लीकेशन से आप इसको परचेज कर सकते हो। चलिए फटाफट अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये स्क्रीन पे आपके सवाल दिख रहा है, फटाफट हल करने की कोशिश करो। देखो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 का वर्गमूल ज्ञात करो। कभी भी जब इस तरीके के स्क्वायर में चीजें लिखें और इनका वर्गमूल निकालना है, तो हमेशा ये किसी ना किसी तरीके से इस तरीके का एक फॉर्मेट बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर या कुछ इस ना इस तरीके से बनेगा। तो अगर इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी। अगर इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी। कहने का मतलब हमको भी ये जो चीज लिखी हुई है इसको इसी फॉर्मेट में लिखनी होगी। अच्छा, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। क्या लिखा हुआ है, x बटे वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई बटे एक्स का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2 लिखा हुआ है। मैंने कहा ध्यान से देखना, मैं क्या लिख लेता हूं, माइनस 2 को मैंने इस तरीके से लिख लिया, x बटे वाई इंटू वाई बटे एक्स। अगर आप ध्यान से देखोगे तो y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा। क्या लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, 2 × 1 लिखा हुआ है, और 1 को मैंने x बटे y और y बटे x लिख लिया, इस तरीके से लिख दिया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा x अपॉन y माइनस y अपॉन x का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम इसका वर्गमूल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से वर्गमूल हट जाएगा, क्या बनेगा, x बटे वाई माइनस वाई बटे एक्स, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई सभी को, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट पर डी ऑप्शन, क्लियर। चलो अगले सवाल पे चलते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बढ़िया सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। क्या कह रहा है, पी क्यू आर किसी काम को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते। यदि P को क्रमशः एक एक दिन करके Q और R की मदद मिलती है, कहने का मतलब P तो हर दिन काम करता है लेकिन एक दिन Q मदद करता है और एक दिन कौन मदद करता है, R मदद करता है, तो इस काम को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है, हमको यह बताना है कि काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अच्छा देखो कैसे करेंगे इसको, मैंने लिखा P Q R। P कितने दिन में कर रहा है, 11 दिन में कर रहा है, Q कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और R कितने दिन में कर रहा है, 55 दिन में कर रहा है। अगर हमें टोटल काम निकालना है तो हमें क्या करना है कि इसका LCM चाहिए, जो सबसे बड़ा नंबर है इसका पहाड़ा पड़ते हैं। 55 का 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 110। 110 में इसका भाग चला जाएगा, 110 में इसका भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अगर मैं उसका डबल कर दूं, 220 कर दूं, तो 220 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो सभी का भाग चला जाएगा, इसका भी चला जाएगा, इसका भी चला जाएगा, इसका भी। मैंने 220 ही क्यों किया, क्योंकि 20 है तो अंत में 0 तो चाहिए चाहिए। अगर 55 का 3 गुना करोगे तो भाग नहीं जाएगा, इसलिए मैंने सीधे सीधे 4 बार कर दिया। अगर मैं पी की क्षमता निकालूं तो कितनी बार हो जाएगा, 220 में 11 का भाग दिया, कितनी पी की क्षमता आ जाएगी, 20 आ जाएगी। 220 में 20 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 220 में अगर 55 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। कहने का मतलब P की क्षमता 20 है, R की क्षमता 4 है और Q की क्षमता कितनी है, 11 है। अब कह रहा है कि P हमारा हर दिन काम कर रहा है लेकिन एक दिन Q उसका साथ दे रहा है, एक दिन R। तो मान लो पहले दिन की बात करेंगे, फर्स्ट डे की बात करेंगे, तो कौन कौन काम करेगा, P काम करेगा और Q काम करेगा, टोटल कितना काम हो जाएगा, 31 काम हो जाएगा। 20 और 11 मिलके कितना हो जाएगा, 31 काम हो जाएगा। फिर अगर हम अगले दिन की बात करेंगे, अगले दिन कौन काम करेगा, P काम करेगा और R काम करेगा, कितना काम हो जाएगा, 20 और 4 24 काम हो जाएगा। फिर तीसरे दिन कौन काम करेगा, P और Q काम करेगा, फिर कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। फिर चौथे दिन क्या हो जाएगा,
पी और आर काम करेगा कितना दिन आ जाएगा 24, और इसी तरीके से हमारा काम चलता हुआ चलता चला जाएगा। अच्छा देखो हमको काम कितना कराना है, हमको काम कराना है 220 यूनिट। अब अगर मैं देखूं पेयर बनना है, ये दो का पेयर बनना है, यहाँ पे टोटल कितने दिन लगे, दो दिन लगे, लेकिन काम कितना हो गया 31 और 24 को जोड़ देंगे तो कितना काम हो गया 55 यूनिट का काम हो गया। मतलब दो दिन में 55 यूनिट का काम हो रहा है, फिर यहाँ पे भी दो दिन में 55 यूनिट का काम हो रहा है, फिर दो दिन में 55 यूनिट का काम हो रहा है, फिर दो दिन में 55 यूनिट का काम हो रहा है। मतलब 55 यूनिट काम करने में दो दिन का समय लग रहा है और इसी साइकिल से चलता चला जाएगा। अगर मैं 220 को 55 से भाग दूं, 55 का मतलब क्या हो गया कि भाई दो दिन में 55 यूनिट, फिर दो दिन में 55 यूनिट, हर दो दो दिन का काम मालूम है कि 55 यूनिट लग रहा है। तो 55 यूनिट अगर काम हो रहा है तो 220 यूनिट होने में ऐसे कितने साइकिल हो जाएंगे, भाई दो दिन का एक साइकिल बन रहा है ना, तो ऐसे कितने साइकिल हो जाएंगे, चार। और एक साइकिल में कितने दिन है, दो दिन है, तो अगर हमें कुल दिन चाहिए तो क्या करेंगे, दो का गुणा करेंगे, तो टोटल हमारे पास में कितने दिन आ जाएंगे, आठ, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। अच्छा देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल है टाइम एंड वर्क में, जिसमें अल्टरनेट हो सकता है, कई बार ऐसा भी सवाल है एक दिन पी काम कर रहा है, एक दिन क्यू, एक दिन आर, इस तरीके से भी, या हो सकता है इस तरीके से भी आ जाता है कि क्यू पी की सहायता कर रहा है, आर पी की सहायता कर रहा है, अलग अलग। सवाल को बस बड़े ध्यान से समझना है। कई बार ऐसा भी सवाल आ जाता है कि एक दिन पी क्यू आर तीनों काम करते हैं और अगले दिन सिर्फ पी काम करता है, तो इसको भी सवाल को ध्यान से पढ़ना, वरना कई बार गलत भी हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, आंसर कितना आ जाएगा, आठ दिन आ जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न एक ऐसा शांत दशमलव है। अच्छा बस आपको एक बात याद रखनी कि कभी भी भिन्न में बटे में अगर आपकी दो की पावर मिल रही है और पांच की पावर मिल रही है तो हमेशा ये क्या करेगा, शांत दशमलव देगा। अगर इसके अलावा कोई दूसरा प्राइम नंबर मिल रहा है, इसके अलावा दूसरा प्राइम नंबर क्या हो गया, तीन हो गया, सात हो गया, ग्यारह हो गया, तेरह हो गया, अगर इस तरीके के प्राइम नंबर मिल रहे हैं तो कभी भी शांत नहीं मिलेगा। कैसा मिलेगा, रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है आवृत्ति वाला, जो बार बार आए। सिर्फ आपको यह याद रखना है कि नीचे दो की पावर बढ़े और पांच की पावर बढ़े, इसके अलावा कोई नंबर ना मिले, तो दो और पांच की पावर कितनी भी बढ़े ये हमेशा शांत दशमलव ही देगा। तो अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो भाई सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है, ये जो यहां पे दिख रहा है ये क्या है, दो की घात तीन है, दो की घात कुछ भी हो सकता है, तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, आठ हो, दस हो, बीस हो, पांच सौ हो, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो हमेशा शांत दशमलव ही देगा। तीन हो गया, ग्यारह हो गया, सात हो गया, ये हमेशा कैसा देंगे, आवृत्ति दशमलव देंगे, रिकरिंग डेसिमल देंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई सभी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है यदि 70 का 40% 80 के 30% से x परसेंट अधिक है तो x का मान कितना होगा। अच्छा इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से पढ़ता हूं कि 70 का 40% 80 के 30% से कितना अधिक है। क्या बोला मैंने, 70 का 40% 80 के 30% से कितना अधिक है, x परसेंट अधिक है, तो जितना अधिक है वही तो निकालना है। सबसे पहले तो दोनों का नंबर निकालो भाई, 70 का 40% कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 आ जाएगा, और 80 का 30% कितना आ जाएगा, 8 त्रिक 24 आ जाएगा। भाई 80 गुणे 30 बटे 100 करेंगे तो दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, यहाँ पे भी दो जीरो से दो जीरो कट गया, मैंने लिखा नहीं, सीधे सीधे ये नंबर लिख दिया। अब हमसे कह रहा है कि ये वाला जो नंबर है ये वाले से कितना प्रतिशत अधिक है, तो सबसे पहले ये देखोगे कि कितना अधिक है, 4 अधिक है, और किससे अधिक है, 24 से अधिक है, तो 4/24। अगर इसको भिन्न में देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/6। अगर इसी को परसेंटेज में बदलना है तो क्या करोगे, 100 का गुणा कर दोगे, और वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो 1/6 होता है ये 16/2/3% होता है या 16.67% होता है, जो भी आपके आंसर में दिया हो। तो हमारे आंसर में क्या दे रखा है, 16.67% दे रखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। बात समझ में आ गई सभी को, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो ट्रेनें विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ रही हैं। इनकी लंबाइयां क्रमशः 1.1 किलोमीटर और 0.9 किलोमीटर है। दोनों ट्रेन की लंबाई भी दे रखी है और दोनों ट्रेन की स्पीड भी दे रखी है आपको। कह रहा है तेज ट्रेन को पार करने के लिए धीमी ट्रेन द्वारा कितना समय लिया जाने वाला है। सेकेंड में हमको बताना है कि कितना समय लगेगा।
अच्छा देखो, ये आप कई बार आपको सवाल में इस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है कि तेज ट्रेन को धीमी ट्रेन को पार करने में कितना समय लिया जाएगा। अच्छा, इसी सवाल में मैं ये बोल दूं कि धीमी ट्रेन को तेज ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा? भाई अगर जैसे हम दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, हमने आपको पार किया या आपने हमको पार किया, बात तो एक ही है ना, दोनों लोग तो एक ही समय पे एक दूसरे को पार करेंगे। तो धीमी ट्रेन तेज ट्रेन को पार करे या तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को पार करे, दोनों का समय क्या रहेगा? सेम रहेगा। कहने का मतलब यहाँ पे कंफ्यूज होने जैसा कुछ भी नहीं, कॉन्सेप्ट आपका क्या लगेगा? सेम लगेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? रिलेटिव स्पीड का लगेगा। हमको कौन सा टाइम निकालना है दोनों के क्रॉस करने का? अब जब दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो कितनी लंबाई चलती हैं? दोनों के लंबाई के योग के बराबर। तो भाई 1.1 और 0.9 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 किलोमीटर चलेंगी, इतना डिस्टेंस उनको ट्रेवल करना है। अच्छा, अगर रिलेटिव स्पीड में एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। 60 और 90 कितना हो जाएगा? 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। प्रति घंटा मैंने ऊपर लिख दिया, घंटा यहां पे आ गया। ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। समझ में आ रहा है सभी को? अब हमको जो उत्तर चाहिए, देखो किलोमीटर से तो किलोमीटर कट जाएगा, उत्तर किसमें आ जाएगा? घंटे में आ जाएगा। लेकिन हमको उत्तर किसमें चाहिए? सवाल में पूछा गया है कि आपको सेकंड में बताना है। अब घंटे को सेकंड में बदलना होता है तो क्या करते हैं? 60 मिनट और 60 सेकंड। भाई 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड गुणा कर दिया। अब ये हमारा जो उत्तर आ जाएगा किसमें आ जाएगा? सेकंड्स में आ जाएगा। अच्छा देखो, ये 1-0 से ये 1-0 चला गया। अगर मैं 15 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 दूनी 8 और 8 छंग कितना हो जाएगा? 48 सेकेंड्स। और हमारा यही क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 38 सेकेंड। बोलो बात सभी को क्लियर हो गई? समझ में आ गया क्या करना है? दोनों की लंबाई ले लेनी है, दोनों की स्पीड ले लेनी है और समय सीधे सीधे निकाल देना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल में 22 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि होती है। उसकी मूल त्रिज्या कितनी थी? जो पहले त्रिज्या थी वो आपको बतानी है कि कितनी है। अच्छा ध्यान से समझना कि इस सवाल को कैसे करते हैं, और ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ये आपके सर्कल में भी आ सकता है, ये आपके बेलन के सवाल में भी यूज हो सकता है, सेम कॉन्सेप्ट। तो पहले यहां पे सीख लेंगे, जब बेलन आएगा तो दोबारा उसको देखेंगे। कह रहा है भाई इसमें त्रिज्या को अगर मैंने बढ़ा दिया तो ये हो गया। मान लो पहले जो हमारी त्रिज्या थी वो कितनी थी? स्मॉल आर थी। अब मैंने बढ़ा दी, कितनी कर दी? कैपिटल आर कर दी। तो कह रहा है जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगा वो कौन सा एरिया होगा? यही वाला तो होगा। और अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो हमेशा कैसे निकलेगा? भाई पूरे सर्कल का एरिया निकालो, छोटे वाले सर्कल का एरिया निकालो, बड़े वाले में से छोटे वाले का घटा दो तो वही आ जाएगा। कहने का मतलब ये जो ये वाला एरिया बचेगा, ये बचेगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। पाई कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर? सवाल में कह रहा है कि इसका मान कितना है? 22 सेंटीमीटर के बराबर है। अब मेरी बात को ध्यान से देखना, मैंने बोला पाई का मान कितना होता है? 22/7, मैंने ये लिख दिया 22/7। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, फॉर्मूला लगा दिया आर माइनस आर और आर प्लस आर बराबर 22। अच्छा देखो ये 22 से ये वाला 22 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। सवाल में एक और चीज दे रखी है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है, मतलब ये वाली जो लंबाई है ये कितना है? 1 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब भाई ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है, और ये कितना है? 1 सेंटीमीटर। मतलब आर माइनस आर बराबर कितना है? 1 सेंटीमीटर है, या आर प्लस वन बराबर कैपिटल आर है। बात समझ में आ रही? अब यहां से हमें इसका मान ऑलरेडी देख रखा है कितना है? 1 सेंटीमीटर है। तो भाई एक का गुणा करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 7 इधर चला जाएगा। अगर मैं यहां से देखूं तो मुझे r प्लस स्मॉल r का मान कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। और ऑलरेडी हमको ये मालूम है कि r माइनस r का मान कितना है? 1 सेंटीमीटर के बराबर है। हमें किसका मान चाहिए? अगर मान लो इसी सवाल में आपसे पूछता कि बढ़ी हुई त्रिज्या क्या है, तो मतलब कैपिटल R, पहले वाली त्रिज्या मतलब स्मॉल R। क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? अगर छोटा वाला निकालना है तो दोनों को घटा के आधा कर देंगे,
तो यहाँ से जो स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी, सात में से एक गया, छह छह का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तीन, और यही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। बोलो बात सभी को समझ में आ गई, आंसर हमारा कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब देखो इतनी चीजें तो आपको आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। कैलकुलेशन हमारा कितना है, सिर्फ यहां और यहां का है। एग्जाम में सिर्फ आपको ये लिखना है और सीधे सीधे ये आंसर लिखना है। बात समझ में आ गई सभी को, आगे बढ़ा जाए। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। अगले सवाल की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक घड़ी 20% के लाभ पर बेची जाती है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपए कम कर दिया जाता है तो 5% अधिक लाभ होता। कह रहा भाई क्रय मूल्य को भी 100 कम कर देते और विक्रय मूल्य को भी 100 कम कर देते तो लाभ हमारा 5% अधिक होता। पहले लाभ हमारा कितना हो रहा था, 20%। अगर 5% लाभ अधिक होता तो कितना लाभ होता, 25% लाभ होता। ठीक, बात समझ में आ गई सभी को। तो घड़ी का वास्तविक क्रय मूल्य आपको बताना है। कभी भी एग्जाम में याद रखना कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में परिवर्तन की बात करें। अगर पहले आपको लाभ और हानि दे रखा है, बाद में भी लाभ और हानि दे रखा है, तो हमेशा आपको क्या करना है कि पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, पहले क्रय और विक्रय का रेशियो निकाल लेना है, फिर बाद में भी क्रय और विक्रय का रेशियो निकाल लेना है। तो ये जो सवाल हो जाएगा ना, ये प्रॉफिट लॉस के बाद रेशियो का सवाल हो जाएगा। भाई अगर 20% का लाभ है, 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5। अगर 5 हमारा क्रय मूल्य है तो 1 लाभ है और विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 6। तो क्रय और विक्रय के बीच अनुपात कितना हो जाएगा, 5:6 का हो जाएगा। बाद में कह रहा है 25% का लाभ है, 25% का मतलब कितना हो गया, 1/4। बाद में अगर क्रय मूल्य हमारा कितना है, 4 है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4 पे 1 जोड़ दो 5 हो जाएगा। अब क्रय मूल्य 5 और 6 का अनुपात रखता था, क्रय और विक्रय का अनुपात कितना था, 5:6। अब कितना अनुपात हो गया, 4:5। क्यों, क्योंकि भाई ये भी हमारा 100 कम हो गया और ये भी हमारा 100 कम हो गया, तो कौन सा सवाल हो गया, रेशियो का सवाल बन गया। कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, 5 × 5 = 25, 6 × 4 = 24, 25 में से 24 गया 1। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400, 500, 500 में से 100 गया कितना आ जाएगा, 100। ये जो 1 यूनिट आया है, ये किस वाले रेशियो का आया है, ऊपर वाले रेशियो का, हमेशा ऊपर वाले रेशियो का आता है। अब मैं सवाल में क्या कह रहा है, वास्तविक क्रय मूल्य निकालना है। वास्तविक क्रय मूल्य कौन सा ही है, अगर 1 का मान 100 के बराबर है तो 5 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 500 के बराबर हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर हो गई और समझ में भी आ गया सभी को कि कैसे इस सवाल को हमको करना है, वरना इस सवाल को करने के लिए बच्चे बहुत परेशान होते हैं, बहुत लेंदी मेथड लगाते हैं, लेकिन बहुत आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं। क्लियर, चलो ये वाला सवाल करो, अलजेब्रा का सवाल है। क्या कह रहे हैं, यदि x = 7 - 4√3 है तो x+1/x का मान आपको बताना है। अच्छा, इस सवाल को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको रट लेना है। क्या कर लेना है, रट लेना है, ये भाई बहुत ज्यादा बार यूज होता है, रट लो इसको, एकदम रट्टा मार लो, दिमाग में फीड कर लो। क्या है कि अगर कभी भी इस तरीके से मिले, x बराबर लिखा हुआ है √a - √b, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको क्या करना है, ये जो √a लिखा हुआ है इसका स्क्वायर करो। यहां पे नंबर भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है, एक पक्का रूट होगा, दोनों में से एक रूट हो सकता है, दोनों में से दोनों रूट हो सकता है, लेकिन जो भी लिखा हुआ है इसका स्क्वायर करोगे। इसका अगर स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, a। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर करना है, इसका भी। इसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, b। अगर a माइनस b का मान कितना है, 1 है। कहने का मतलब अगर दोनों नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं और उनका डिफरेंस निकालना कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमेशा याद रखना, अगर x का मान √a + √b है तो जो 1/x का मान आ जाएगा वो आ जाएगा √a - √b। कहने का मतलब जो साइन यहां है उसका जस्ट अपोजिट साइन है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, लेकिन अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस बात को हमेशा आपको याद रखना है, तभी आप इस तरीके के सवालों को बहुत आसानी से हल कर पाओगे। जैसे ही मैंने यहां पे देखा कि ये x लिखा हुआ है और हमें क्या निकालना है, 1/x निकालना है, तो तुरंत मैंने बोला इसको अगर रट लोगे तभी ये दिमाग में आएगा कि भाई 1/x कैसे आएगा, या तो फिर आप x लिखा हुआ है 1/x निकालो, परमेयीकरण करो, फिर उससे आंसर निकालो, फिर उसको जोड़ो, फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा, कॉम्पिटिशन का समय, आपको तेज होना पड़ेगा, जल्दी करना पड़ेगा, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी।
मैंने कहा मैंने इसका स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 गुणे 3 कितना हो गया 48 हो गया। 49 में से 48 घटाया तो कितना आ गया 1 आ गया। ये वाला क्या रूल फॉलो हो रहा है? हाँ फॉलो हो रहा है। अगर x का मान ये है तो 1 अपॉन x का मान कितना हो जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3, जो भी साइन है वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। x का मान कितना है 7 माइनस का 4 रूट 3 है। हमको क्या कर देना है, दोनों को जोड़ देना है। अगर दोनों को मैंने जोड़ दिया तो क्या मिलेगा, x प्लस 1 अपॉन x का मान है ये कट जाएगा, कितना मिलेगा 14 मिल जाएगा और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। कई बार इसी सवाल में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान निकालो। हो सकता है आपको ये ना दिया हो, आपको सीधे सीधे ये दिया हो, तो अब क्या करोगे, पहले एक्स स्क्वायर निकालोगे फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालोगे? नहीं, एक्स दिया है तो 1 अपॉन एक्स निकालोगे, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स निकालोगे, फिर यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालोगे। क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2, 14 का स्क्वायर होता है 196, माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 194 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया सभी को, आंसर कितना आ जाएगा इस सवाल के लिए 14 आ जाएगा। चलो इस सवाल को करो, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, देखो क्या कह रहा है। 26,000 को इस प्रकार दो राशियों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग पर 10% की दर से, भाई इस पैसे को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया गया कि एक पार्ट पे रेट कितना लग रहा है 10%, दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज। भाई एक जगह पे 10% की दर से 5 साल का और एक जगह पे 9% की दर से 6 साल का ब्याज है, और कह रहा है साधारण ब्याज दोनों बराबर है, पहले का साधारण ब्याज और बाद का साधारण ब्याज दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो कह रहा है 10% की दर से 5 वर्ष के लिए निवेशित राशि का मान बताना है कि कितना होगा। बहुत ही सिंपल सा, भाई दोनों का ब्याज निकाल लेते हैं, मान लेते हैं जो पहली राशि है हमारी कितनी है ए है और दूसरी राशि हमारी कितनी है बी है। हमको ये मालूम है कि ए प्लस बी का ही मान कितना है 26,000 है। आप ऐसे लिखोगे नहीं, ये बस समझाने के लिए है, आप समझो ठीक, कैलकुलेशन का पार्ट खाली लिखना रहता है। कहने का मतलब इस पे 10% की दर से 5 साल का जो ब्याज है, इस पे 9% दर से 6 साल के ब्याज के बराबर है। भाई ये इसका ब्याज हो गया, ये इसका ब्याज हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। अच्छा यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, ए और बी का अनुपात निकाल सकता हूं। भाई परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है, कट गया भाई, ये 54 आ गया, ये 50 आ गया, 54 और 50, दो से भाग दे देंगे ये 27 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। बोले यहां तक बात समझ में आ गई। कहने का मतलब यह है कि अगर ए का मान 27 है तो बी का मान कितना है 25 है, लेकिन अगर मैं टोटल ए प्लस बी की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 7, 5, 12 और 52 हो जाएगा। अब हमें किसका मान दे रखा है, इसका मान दे रखा है, और हमें किसका मान निकालना है, भाई ए वाले का मान निकालना है जो 10% पे दिया गया है। कहने का मतलब 52 का मान दे रखा है, किसका मान निकालना है 27 का मान निकालना है। 52 का मान कितना दे के रखा है 26,000 दे रखा है। भाई 26 दूना 52, दो से भाग दे देंगे कितनी बार जाएगा 50, 500, एक यूनिट का मतलब कितना हो गया 500। हमें किसका मान निकालना है 27 यूनिट का मान निकालना है, 5 से गुणा करो, 5 से 35, 5 दो 10 3 13, 13,500 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मान लो ये वाला निकालना होता तो 25 गुणे 500 करोगे तो कितना आ जाएगा 12,500। बोलो बात सभी को क्लियर हो गई, समझ में आ गया कैसे करना है, आंसर हमारा कितना हो जाएगा ए ऑप्शन 13,500। ये देखो बहुत बढ़िया सवाल है, एलसीएम एचसीएफ का सवाल है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 115, 149, 183 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 5, 7 बचता है। कहने का मतलब इसको भी उसी नंबर से भाग दिया जा रहा है, इसको भी उसी नंबर से भाग दिया जा रहा है, इसको भी उसी नंबर से भाग दिया जा रहा है। इस वाले केस में 3 शेष बच रहा है, इस वाले केस में 5 शेष बच रहा है, और इस वाले केस में कितना बच रहा है 7 शेष बच रहा है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे 37 में अगर मैंने 5 से भाग दिया तो शेष कितना बचेगा 2 बचेगा। अब अगर जितना शेष है अगर मैं इसको इस नंबर में से घटा दूं, 2 को मैंने इस नंबर में से घटा दिया तो कितना बचा 35, अगर 35 में फिर से 5 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0, और रिमाइंडर 0 होता है इसका मतलब क्या है कि पूरा पूरा भाग चला जाएगा, पूरा का पूरा भाग क्या है चला जाएगा।
कहने का मतलब यह है कि अगर 115 में किसी नंबर से भाग देने पर तीन शेष बच रहा है, तो अगर मैंने तीन इसमें से घटा दिया तो कितना बचेगा, 112 बचेगा। 112 में उस नंबर से पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 149 में से पांच घटा दूं कितना बचा, 144। 144 में उस नंबर से पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। इसी तरीके से अगर 183 में से सात घटा दूं, भाई सात घटाने मतलब तीन घटा 180 और चार और घटा तो कितना हो गया, 176 हो गया। इसमें भी उस नंबर से भाग चला जाएगा। तो अब जो ये वाला सवाल था, अब ये सवाल बन जाएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें जिससे इन तीनों से भाग देने पर भाग चला जाए, 112 में भी भाग चला जाए, 144 में भी भाग चला जाए, 176 में भाग चला जाए। तो भाई दो तरीका है, या तो आप इसका एचसीएफ 1/1 करके निकालो, या तो जो हमारे पास में ऑप्शन दे रखे हैं इन्हीं ऑप्शन में से चूज कर लो। आसान तरीका कौन सा होता है, जो आपके पास ऑप्शन दिए हमें सीधे सीधे दिख जाते हैं। जैसे मैंने देखा यहाँ पे 18 है, भाई 9 दिख रहा है, 9 से भाग नहीं जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 20 से कहां भाग जाएगा, भाई 20 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि जीरो दिख ही नहीं रहा है। अगर मैं 16 से भाग देता हूं तो 16 से भाग जाएगा 16 × 7, 16 से भाग दूंगा तो जाएगा 16 × 9। अगर मैं 16 से भाग दूंगा 16 × 11 भाई देखो 16 से सब में भाग चला जा रहा है, तो भाई यही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। और अगर मैं उसके बाद देखूं तो क्या बच रहा है, 7, 9 और 11। क्या इसमें कोई भी फैक्टर ऐसा है जो कॉमन है, तो इसका मतलब यह है 16 से बड़ा कोई नंबर हमें नहीं मिलने वाला है, 16 हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। वैसे भी उसके बाद में क्या था, 14 था, 16 हमको पहले ही मिल चुका है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 16। बोलो बात समझ में आ गई सभी को, क्लियर हो गया, सही आंसर कितना आ जाएगा 16। आज की क्लास को बस यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह जो त्योहार था यह आपका एकदम खुशमय रहा हो, एकदम हंसी से भरा रहा हो। इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में और अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे, ठीक है। जो भी लोग इस बैच में पढ़ रहे हैं, अगर उनको ये जो हमारी क्लास चल रही है इस क्लास का जो पीडीएफ है उसका सॉल्यूशन पीडीएफ चाहिए, तो आपको क्या करना है, पाठशाला रेलवे एग्जाम्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम से भी सर्च करके इसको जुड़ सकते हो। आरआरबी जेई का अगर आपको कोर्स लेना है, फाउंडेशन बैच लेना है, तो आप माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां से आपको फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। अभी होली में इस पे ऑफर चल रहा है, अभी ये प्राइस है 600 रुपये। ये फाउंडेशन बैच में पूरा कंप्लीट सीबीटी 1 का कोर्स मिलेगा, मैथ रीजनिंग साइंस और जीके का। अगर एक बार कोर्स लेते हो तो आपको सीबीटी 1 के लिए फिर कुछ और भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां से आपका सारा चीज कंप्लीट हो जाए, ठीक है। आप सभी लोगों को पाठशाला रेलवे एग्जाम्स धन्यवाद करता है फॉलो करने के लिए, वीडियोस को देखने के लिए। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो चैनल पर नया है, तो भाई फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये जो बेल आइकन का बटन आता है इसको क्लिक कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।